Hey guys, welcome back to my channel. और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही छोटा सा वीडियो है और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने ये गैस स्टोव लिया है, न्यू लिया है अभी, तो मैं इसकी पूजा करूँगी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत से लोग होंगे जो इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हैं कि अपने घर में कोई भी नई चीज़ लेके आएं तो उसको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो हमारे घर के लिए उन्नति करे, उन्नति दे हमें। तो मैंने भी ये एक चूल्हा लिया है, मेरा जो पहले वाला चूल्हा ख़राब हो गया था तो मैंने इस बार ये चार वाला लिया है। बहुत टाइम से मेरा मन भी कर रहा था, तो चलिए इसकी पूजा शुरू करते हैं। वीडियो में पूजा स्टार्ट हो गई है और मैं आपको पूजा बताती हूँ। ज़्यादा कुछ खास बहुत ज़्यादा कठिन पूजा नहीं है, नॉर्मल जो होती है वैसे ही। बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी चीज़ें लेके आते हैं और हर एक चीज़ की पूजा करते हैं। मैं भी उन्हीं में से हूँ कि मैं बिना किसी पूजा के मैं किसी भी चीज़ को नहीं यूज़ करती हूँ। तो मैं ये लेके आई हूँ और मैं दिन भी देखती हूँ कि किस दिन हम सामान की शुरुआत करें जो हम लेके आए हैं। तो आज है, मतलब जिस दिन मैंने ये गैस स्टोव की स्टार्टिंग करी है वो दिन सोमवार का है और आज है एकादशी। दिन भी मुझे बहुत अच्छा मिल गया। संडे को हम लोगों ने रात में गैस खरीदी थी और मंडे की सुबह मैं उठ के जल्दी से नहाया वहाया, पूजा पाठ करने के बाद जब रसोई में गए तो खाना बनाने से पहले मैंने गैस की पूजा करी है। तो मैंने सबसे पहले पूजा में क्या रखना है, रोली रखना है, अक्षत रखना है, फूल रखना है, जल रखना है और उसके बाद आप जो भी मीठा बनाएंगे वो अपने गैस पे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने चारों चूल्हों पे कुमकुम से टीका लगाया है। उसके बाद मैंने स्वास्तिक बनाया है, दो स्वास्तिक बनाए हैं, एक नहीं बनाया है। तो कोशिश करिएगा कि दो स्वास्तिक बनाएं, हमेशा एक नहीं बनाया जाता है। और उसके बाद मैंने इस पे अक्षत छिड़के हैं और कुमकुम और ये फूल सब कुछ छिड़कने के बाद हम क्या करते हैं, मेरी फिर धूप बत्ती, मैं यहाँ पे धूप बत्ती करूँगी, दिया बत्ती करूँगी। ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले पूरी पूजा होने के बाद आप प्रार्थना करिए माँ अन्नपूर्णा से, अग्निदेव से, कि हमारे घर में माँ अन्नपूर्णा का वास रहे, अच्छा अच्छा भोजन हम लोग बनाएं, अच्छा अच्छा खाएं, हम लोग स्वस्थ रहें। तो ऐसी कामना करिए आप चूल्हा स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, कच्चा दूध लीजिए गैस पे। मैं अभी आगे के वीडियो में आपको अभी आगे दिखेगा, बहुत ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया है तो मैं अभी आपको बता दे रही हूँ। मैंने सबसे पहले इस पे दूध उबाला है। तो बोलते हैं कि हम मुंबई में रहते थे तो मुंबई में लोग अपने नए गृह प्रवेश ऐसे ही करते थे कि सबसे पहले गैस पे किचन में दूध उबाला जाता था और अपने आप उबल के दूध गिर जाए। तो सबसे पहले गैस पे मैंने दूध रखा है और दूध उबल के गिर जाए ये हाँ अग्निदेव को भोग लग जाता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया है। और ये सब करने के बाद मैंने दूसरा स्टेप मैंने क्या किया है, मैंने भोग बनाया है। तो आज एकादशी थी तो मैंने खीर नहीं बनाई है, मैंने बनाया सूजी का हलवा। उसके बाद मैंने सूजी का हलवा बनाया है और सूजी का हलवा बनाने के बाद मैंने उसको भगवान जी में, गोपाल जी को भोग लगाया है, सभी देवी देवताओं को भोग लगाया है। और उसके बाद मैंने इस पे सब्जी पूड़ी सब बनाया है। तो गाइज़ आप लोगों भी इस तरीके से, जो लोग इन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद इस चीज़ को फॉलो करिए, मेरे वीडियो को देखिए, इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी अगर आपको किसी भी तरीके का वीडियो अगर चाहिए पूजा से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए मैंने दूध रखा है, इसके बाद दूध उबालेंगे, फिर मैंने खीर भी हलवा भी बनाया है। तो होप आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।